मध्य प्रदेश में घुटने तोड़ राजनीति का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा आपत्तिजनक बयान में कांग्रेसियों के घुटने तोड़ देने की बात कही थी। उसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर रामेश्वर शर्मा को चैलेंज किया था कि वो उनके बंगले पर आकर रामधुन करेंगे। दिग्विजय सिंह के ऐलान के बाद वो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के घर पहुंचकर रामधुन करेंगे। दरअसल अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सभा में कांग्रेसी नेताओं पर विवादित बयान दिया था। रामेश्वर शर्मा ने कहा था कि अगर आपके घर कोई कांग्रेसी नेता आए तो उसके घुटने तोड़ देना। उनका यह बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं कांग्रेसी हूं, जिसमें ताकत हो तो मेरे घुटने तोड़ दें। मैं गांधीवादी हूं, हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा। 24 नवंबर को मैं महात्मा गांधी की मूर्ति से रामेश्वर शर्मा के घर जाऊंगा। उनके घर जाकर प्रभु से उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए एक घंटे तक रामधुन करूंगा। ऐसे में अब दिग्विजय सिंह रामेश्वर शर्मा के घर रामधुन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक भी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं।